अरे भाई ये बेहोश हो गए भाई। Did you hoist your nation flag? बस ये करके जा रहे हैं। She went to perform Umrah. This place is memorable for her. सही है ना? अब इसका आंसर लिखो नीचे। ये आंसर है सही ना? ये आंसर नंबर टू है या आंसर नंबर थ्री है? देखे बच्चों को आपका भाई खुद पढ़ाता है, इनको मैं खुद पढ़ाता हूँ। रयान बताओ कौन पढ़ाता है फिर? अच्छा मैं नहीं पढ़ाता। तो भाई ये दोपहर का खाना मैं खाता हूँ अपने अब्बू के साथ और अपनी अम्मी के साथ, क्योंकि जो वक्त अम्मी और अब्बू के साथ गुजर जाए उससे अच्छा कोई वक्त है ही नहीं। और ये कढ़ाई चिकन अम्मी ने आज बनाई है बहुत ज़बरदस्त, और ये बिरयानी जो है ये ऊपर मेरे घर में बनी थी अम्मी की, आज ये कढ़ाई चिकन बनी है। और अम्मी की कढ़ाई चिकन जो खा ले एक दफ़ा फिर वो किसी और की कढ़ाई चिकन उसको मज़े की लगती ही नहीं। क्यों अम्मी ऐसा ही है? ऐसा ही जो दादी की कढ़ाई खाएगा वो अपनी उंगलियां चाटते ही रह जाएगा। हाँ उंगलियां चाटते ही रह जाएगा। अच्छा संडे का दिन है वो, तो आज एक जगह पे निकाह है, वहाँ जाना है दोस्त की बहन का निकाह में जाना है। और उसके उससे पहले अभी रेहान माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया कि इसके अब दोस्त इसको बुलाने लगे हैं अपने घर पे और इसको इनवाइट करने लगे, तो जैसे दोस्त के घर में इसको ड्रॉप करने जाना है तो वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद निकाह में निकलते हैं। क्यों रेहान फिर जा रहे हो दोस्त के घर में? चलो इसको उसके दोस्त के घर में छोड़ते हैं और हम निकल जाते हैं फिर निकाह पे। रेहान को ड्रॉप करके अब हम मस्जिद जा रहे हैं निकाह के लिए। अच्छा निकाह में जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, एक गलती जो हम लोग करते हैं अक्सर, हम निकाहों में जाते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम इत्तिकाफ की नियत नहीं करते। तो जब भी मस्जिद में निकाह में जाए तो इत्तिकाफ की नियत लाजमी कर लिया करें, क्योंकि इससे होता यह है कि मस्जिद में दुनियावी बात करना जो है वो बहुत गुनाह की बात है ना, और ये सारी नेकियां खा जाती है। तो हम लोग मस्जिद में जब भी निकाह के लिए जाएं, नमाज पढ़ने भी जाएं, तो इत्तिकाफ की नियत कर लिया करें हम लोग। इससे यह है अगर कोई दुनियावी बात हो जाए, कोई जानने वाला मिल जाए, हंसी मजाक की बात हो जाए तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा इससे। तो ये चीज का जो है एहतमाम हमें सबको करना चाहिए। अबे वो दूसरे को गवाह कराना था, अबू समझे मेरा नाम लिया। मैं परेशान हो गया, खैर हुआ यार, ये दुल्हन के भाई ये दुल्हन के वालिद साहब है माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको बहुत खुश रखे। कैसे आप अंकल? देखें अभी हम मस्जिद से निकले हैं और इस्लाम की क्लास देखें आपके, इतनी आसान तरीके से शादी हुई है। ये है तरीका, सिर्फ आपने शरई तौर पे निकाह करना है और बाकी जो चीज़ें हैं जो फजूलियात वो हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिए। अच्छा वलीमा जो है वो सुन्नत टोपी, हाँ ये वही अब्दुलरहमान है जिनका टोपी और मिसवाक का काम है। क्यों अब्दुलरहमान भाई? इनको दिया था तो भाई घर पहुंचे, हम भूल ही गए आज सारी गहमा गहमी में। आज तो पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल है तो उस सिलसिले में मुझे जाना है, सलमान भाई कामरान भाई के यहाँ वहाँ जा रहे हैं, वहाँ चल के देखेंगे, वो लोग बहुत जज्बाती है मैच के मामले में, वहाँ मुलाकात भी करेंगे, उनको मैच वहीं देखेंगे सारा। इंशाल्लाह फाइनल है, कामरान भाई के आ गए हैं और माशाल्लाह भाई माशाल्लाह सारे बैठे हैं, पूरा कोरम पूरा है। शाहरुख भाई, ये शाहरुख इतने दिनों बाद तुम कसम से कहाँ हो, कहाँ तुम आओ गले मिलो भाई। और ये सैफुल्ला है और ये इनका आज मैच है और ये उस मैच पे जा रहा है। ये उमर है, ये बस उमर है। कैसे सुनाना है? ठीक है। और सलमान भाई मैं बताता मैच कौन होगा आज? रिजवान। रिजवान तुम बताओ बेटा। मैं कह रहा हूँ आज मैन ऑफ द मैच होगा फखर, आप बताओ। उमर 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 कौन होगा भाई? कोई भी हो मुझे गर्ज नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा पाकिस्तान की, उसके अलावा कोई भी मैन ऑफ द मैच हो सभी प्राइम। ये बोलो तुम्हें पता ही नहीं कौन होगा? नहीं नहीं अपना बाबर आजम। बाबर आजम चले चले। मैंने बोला फखर, दो लोगों ने बोला रिजवान,
और एक साहब है शेफुल्ला जिन्होंने बोला है कि होगा कौन होगा शेफुल्ला बाबर आजम और उमर बच्चा है, बच्चे गैर सियासी होते हैं। मैच का बहुत बुरी हाल है, 10 नो बॉलें कराइए एक साथ और चाय आ गई है। ओ हो 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 वीआईपी चाय आ गई। लग रहा है आज पाकिस्तान का दिन नहीं है भाई, पाकिस्तान जो है वो एकदम चेंज हो गया। हाँ एकदम से मैच चेंज हो गया, चेंज हुआ है और पाकिस्तान का दिन लग नहीं रहा, बाकी अल्लाह साथ देगा इंशाल्लाह। ओए क्या छोड़ दिया भाई, ये बेहोश हो गया, सारी दुनिया रोने लगी। उमर दिल छूटा नहीं करते मेरा बेटा, ये तो सिर्फ मैच है यार, दिल खट्टा हो जाता है भाई। मैच हार चुका है बुरी तरीके से और ये टीवी ऑफ कर दिया हमने, लेकिन क्या करें, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और पिज्जा आ गया है, अब वर्ल्ड कप की तैयारी है तो वर्ल्ड कप में आपको आपके अपने ऐप पर पिज्जा। ओ हो जालिम फ्लेवर आया भाई, जालिम फ्लेवर हो रहा है, ये तो दोनों एक ही फ्लेवर है भाई, दोनों एक ही फ्लेवर है, शाहरुख और उमर। यहाँ मौजूद है सलमान भाई और सैफुल्ला। ये बात गलत है कि अगर आपकी टीम हारी है तो आप मैच छोड़ के चले जाए ना, ये लोग चलेगा कि यार नहीं यार हमें नहीं देख रहे मैच। और ये लोग देखिए देख आए सर स्पॉट, ये ताहा जो है, ये जहद जो है, ये बहुत बड़ा माशाल्लाह से मेरा फैन बन चुका है और ये मेरे व्लॉग सब देखता है। जहद सबसे अच्छा कौन सा व्लॉग था? फ्राइडे की नमाज़ है, उसमें तुम्हारे बाबा थे इसलिए तुम कह रहे हो नहीं, फिर वजह क्या है, वो सबसे अच्छा क्यों था? से गुजरा आज का दिन, बहुत अच्छा दिन था अल्हम्दुलिल्लाह। बस पाकिस्तान टीम हार गई, इस चीज़ का दुख है, लेकिन जीते या हारे वो हमारी टीम है, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमारा हम नेशन है। उनकी जीत में वो हमारी टीम थी, उनकी हार में भी वो हमारी टीम है। कुछ गलतियां थी जो पाकिस्तान से हुई हैं, आज हर टीम से हो जाती हैं, हर दिन आपका नहीं होता। तो उम्मीद है पाकिस्तान सीखेगा इससे और वर्ल्ड कप करीब है, उसके लिए इससे बेहतर तैयारी करके निकलेगा। लेकिन हमें अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और जो मुहज़्ज़िब कौमें होती हैं वो हमेशा यही करती हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। जब कोई प्लेयर परफॉर्म करता है तो उसकी हम तारीफ़ करते हैं, जब कोई परफॉर्म नहीं करता तो हमें उसको बैक करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर तनकीद करें। तो यहीं पे हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।